बहुत दिनों से भगाया तूने अपने पीछे, आज तू हमारे पैसे दे दे फिर अकेला भागता रहे। एक दूंगा रख। एक सेकंड, एक सेकंड, आप लोग ये पूरी जमीन देख रहे हैं? पूरी? हाँ देख रहे हैं। अब सोचिए कि हजारों आम के पेड़ों से भरी हुई। आंख बंद कीजिए और सोचिए। आंख बंद कर। तुम लोग आंखें खुली रखो वरना भाग जाएगा। सिर्फ मैं बंद रखूंगा। हाँ बंद रखिए। बोलो भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। पेड़ पेड़ है। मैंने भी यही सोचा है, इसलिए सारी जमीन खरीद ली और हजार आम के पौधे भी खरीद लिए। सोचा बढ़ते 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 वो लाखों आम पैदा करेंगे जिससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा और आप लोगों का छोटा मोटा सा कर्जा लौटा दूंगा। कैसी लगी? अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। मुझे भी लगा बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन सरकार को मुझसे भी अच्छा आइडिया मिला यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का, और उन्होंने मेरी जमीन जब्त कर ली। अब मेरे पास सिर्फ हजार आम के पौधे बचे जो सड़ रहे हैं मेरे सपनों के साथ साथ। तेरी नई नई कहानियां सुन के हम तंग आ गए। अरे तूने कितने धंधे बदले, सब में नुकसान हुआ, तो उसमें हम क्या करें? हाँ तूने गांव के कुत्ते बिल्ली तक से उधार लिए, अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। बता कब दे रहा पैसे? कल शाम 5 बजे दरिया के पास वाला जो पुल है ना, आप सब वहां आ जाइए। 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे, काफी सालों से सुन रहे हैं ये। वही तो, इतने सालों का रिश्ता है हमारा, भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? नहीं नहीं एकदम ना। वो सब छोड़ना, आप लोगों की जो मेरे बारे में राय है ना, मैं बदलने वाला हूँ। कल शाम 5 बजे आप सब लोगों का पैसा मैं एक साथ चुकता करने वाला हूँ। पक्का? तो अरे अगर नहीं किया तो जो मन में है वो कर लेना, लेकिन ठीक 5 बजे हैं। अगर टाइम से नहीं आए तो मैं वहाँ वेट नहीं करने वाला हूँ, बाद में मुझे नहीं कह रहे कि पैसे नहीं मिले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे आइए आइए आइए, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। वाह 5 बजे बोला तो आप लोग ठीक 5 बजे आ गए। अरे कौन बोलता है यहाँ के लोग टाइम पर नहीं आते? बाजू एक मिनट, बाजू पैसा देना शुरू कर दिया क्या? अरे सुनिए फिक्र मत कीजिए, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, तो सब लोग आ गए भाई। हाँ भाई आ गए। मैं काम करता हूँ, एक एक करके सबका नाम पढ़ता हूँ, जिस जिस का भी नाम आए हाथ ऊपर करके हाजिर हो कह देना। ओके शाबाश। हरिराम नावेद 12,250 रुपए। अच्छी। हाँ प्रभाकर शेट्टी 13,900 ब्याज मिला के। हाजिर। क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है ठीक है। रघुवीर ग्वाला 20,500। हाजी। हाँ घर पे सब कैसे हैं? हाँ ठीक है ठीक है। चलो अबे ओए पहले मेरा पैसा चुकता कर और मुझे दफा दफा कर। अरे शर्मा जी सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं को देने हैं और यही सबसे लेट आ रहे हैं। अब और देर मत कर, मेरे पैसे निकाल। शांति शांति। देखिए शर्मा जी के पैसे मिला के कुल 13,90,000 रुपए देने मुझे आप लोग। उतने नहीं है मेरे पास, थोड़े कम है। कितने कम है? ज्यादा नहीं, थोड़े से। अरे फिर भी कितने? 100 रुपए। कोई बात नहीं। नहीं, 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 नहीं। 100 रुपए ही है मेरे पास, बाकी के 13,79,900 रुपए कम। अरे पैसे निकाल निकाल, अरे पैसे निकाल, अरे तू निकाल पैसे निकाल। अरे इसे इसे इसे, इसे मत छुए। क्या है? चूहे मारने का जहर। चूहे मारने का जहर? अब वो क्या है कि पोटेशियम साइनाइड खरीदने की औकात नहीं है ना मेरी, तो यही लेके घूम रहा था, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। मैं जानता था आप लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। कभी ना कभी आप सबने मेरी मदद ही की, मैं भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आप सबकी पाई पाई चुका दूंगा। क्या करूं, मैंने जो भी धंधा शुरू किया सब में मेरा नसीब फूट गया। आखिर में पटाखे की फैक्ट्री खोली, वो नहीं फूटा। तो फिर बस वो पटाखा बेच के हम सब की उधारी चुका दो। अरे फूटा नहीं मतलब पटाखा नहीं फूटा, तो कहां से दूं आपके पैसे? मेरे पिताजी कहते थे बेटा तेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जरूर रहेगा। ठीक ही कहते थे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कर्जा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हालात ही कुछ ऐसे थे। अब मेरे पास दो ही रास्ते, या तो आप लोग मुझे 5 साल की मोहलत दे दीजिए, नहीं तो मुझे समंदर में कूदकर अपनी जान देनी पड़ेगी। ए, ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। जो तू समुंदर में डूब के जान देगा ना, तो मैं पैसा हंसी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत है तो कूद जा समुंदर में। कूद जाऊं? मैंने अपने नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, उससे आप सब लोगों का पैसा वापस हो जाए, लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट से कहिएगा कि मेरी मौत एक हादसा थी, खुदकुशी नहीं। आप लोगों से बात करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया। पैसा मिलते ही पिताजी आप सब लोगों की रकम लौटा देंगे। ए भाई बेकार के बात छोड़ और पैसे देने के बारे में कुछ बात कर। नहीं तिकड़म, नहीं तिकड़म।
बेटा जीत, ये खेल हमारे साथ मत खेल। सिर्फ यही एक खेल बचा है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन और कोई चारा ही नहीं बचा। जो लोग मुझे पास से जानते हैं वो समझ जाएंगे मेरा फैसला गलत नहीं था। कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या? जी नहीं। क्या हुआ, बॉडी मिली या नहीं? जी नहीं इंस्पेक्टर, अभी तक बॉडी का कुछ पता नहीं चला। आपने ठीक से ढूंढा? पिताजी, आपसे मिलने कोई आया है? फरमाइए। मास्टर जी, हम आपसे नहीं, जीतू जी से मिलने आए हैं। जीतू, जीतू जी, जी पिताजी। ये लोग कह रहे हैं कि ये तुमसे मिलने आए हैं। हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे क्यों मिलने आए हैं पिताजी? मैं जानता हूँ कि क्यों आए हैं। हाँ, मैं भी जानता हूँ। मैंने सोचा मुझसे मिलने से पहले एक बार आपको देख लेते। क्यों, मैं कोई बंदर हूँ जो खेल करता रहूं ताकि जो भी आए पहले मुझे देखे? अरे पिताजी, आप इसको नहीं जानते, बबन राव भाजी वाला, याद है आपको जब मैंने लॉटरी का बिजनेस शुरू किया था? हाँ, जो बर्बाद हो गया था। तो इसी ने मुझे बैंक का ब्याज वापस करने में मदद की थी। ब्याज और पैसा मिला के 40,000 रुपए होते हैं। तंग आ गया हूँ मैं इसको बोल बोल के, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, फिर भी इसको मेरी बात का यकीन ही नहीं होता। आपको इसको पैसे नहीं देने, सिर्फ एक तारीख देनी है, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। बराबर, उनको एक तारीख देना और फिर ठीक उसी तारीख वाले दिन गायब हो जाना। तुम्हारी ये कला मुझ में नहीं है बेटा। वो तो उसको भी पता है पिताजी, इसलिए उसने कहा है आप बोलेंगे तो ही मानेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए पिताजी, नहीं तो मुझे अपने आप को फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई लोग, तारीख नहीं दे रहे हैं, पूरे पैसे चुका रहे हैं। ये लो रस्सी, गले में बांधो और लटक जाओ। तुम्हारी बड़ी बहन बिन ब्याह घर में पड़ी हुई है, ले देकर एक घर बचा है जो तुम्हारे कर्जों की वजह से गिरवी रखना पड़ा, और तुम्हें मुझसे और मदद चाहिए? क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? जाओ डूब जाओ कहीं जाकर, ताकि हम और तबाही से बच सके। जाओ। देखो, हम लोगों ने जो फैसला किया था उस फैसले को लेकर तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, मैं आज तक कभी आपके रास्ते में आया? आप एक काम कीजिए, आप पूजा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और उसकी धूमधाम से शादी कराइए, और उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा, खुश। अरे मानेगी तब ना वो, सालों से बस एक ही जिद पर अड़ी हुई है, शादी करेगी तो तुमसे। आप उसको क्यों कोस रहे, जब से होश संभाला है एक ही तो बात सुनते आए हैं कि मैं उसका हूं और वो मेरी। मानता हूं, हम लोगों की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे। आप उसके लिए लड़का ढूंढिए, मैं उसे मना लूंगा। उसकी जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम वो शांति से तो जिएगी। अरे नहीं मानेगी वो, जब तक तुम उसके सामने खंभे की तरह गड़े रहोगे वो किसी और से कभी शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, समझे? इसीलिए कहता हूँ भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ, और सालों के बाद लौट कर आना। नहीं आओगे तो भी चलेगा। क्या है, तुम्हारा तुम्हारे लेनदारों से छुटकारा हो जाएगा और मैं मेरी बेटी की शादी कहीं और करवा सकता हूँ, समझे? अब ये मत कहना जाने के लिए पैसे नहीं है। ये ले पैसे, अरे रखो, और इसे लौटाने के बहाने भी वापस नहीं आना। वोट फॉर राजा भाऊ, 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 वोट फॉर राजा भाऊ। तुम इस मोर्चे के साथ कैसे है? सब काम धंधा छोड़ के राजनीति में लग गए क्या? अरे राजनीति नहीं, ये तो तरकीब है लेनदारों से बचने की। जब मैं मोर्चे में शामिल होकर निकलता हूँ ना, तो मेरे लेनदार मुझे पकड़ नहीं पाते। सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला, उनके साथ चलते चलते मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा, वहां पता चला कि उनको लेफ्ट जाना था और मुझे राइट।
तो मैं निकल गया। इतना इंतजार करने के बाद मुझे कांग्रेस का मोर्चा मिला तो जाकर तुम्हारे पास पहुंचा। ओह गॉड, कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो कभी उसमें, ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा देता हूँ। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। वो सब छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। बेकार की बातें मत करो। मैंने कभी तुम्हें शादी की बात को लेकर परेशान किया है क्या? जब तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। कब तक? चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर एक दिन हम साथ साथ जिएंगे ना। बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है। ऐसा नहीं हो सकता पूजा, मेरे सर पर उधारी का इतना बोझ है कि मैं एक चींटी का वजन भी नहीं झेल सकता। और सच पूछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लिए एक बोझ हो। हमें अलग होना ही होगा पूजा। अब तुम घर जाओ, अगर ये मोर्चा निकल गया तो शाम तक और कोई मोर्चा नहीं है जो मेरे घर तक जाए। जी, कभी इस घर के लिए एक हफ्ते का राशन भी लाए हो? अब ये बात पिताजी मुझसे नहीं कह सकते माँ। ये लो एक हफ्ते का राशन और उसके साथ पकाने के लिए सब्जी वगैरह। तू मच्छी लाया है क्या माँ? मैं नहीं जानता कि इस घर में मच्छी नहीं बनती। फिर ये मच्छी की बदबू? हाँ, वो मैं मच्छी की मार्केट से जा रहा था तो वहाँ पर वो टोकरियाँ लेकर उठाते हैं ना लोग, तो दो चार मैंने भी उठा ली ऐसे ही जस्ट फॉर अ चेंज। बेटा तुम ये सब कौन सा ही काम मैं रोज रोज करने वाला हूँ? आप खाना बनाइए, मैं फटाफट नहा कर आता हूँ। माँ तुम खाना नहीं खा रहे? मैं बाद में खाऊंगी। ऐसे थोड़ी चलेगा, इतनी मेहनत की है मैंने, मेरे हाथ का एक निवाला तो तुमको खाना ही पड़ेगा। अरे आ, 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 क्या हुआ है तुझे बेटा? बहुत बड़ा गुलदस्ता दिया था ना माँ मैंने तुझे वादों का, बड़ा घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर। सब कुछ तैयार है? लगता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा माँ, कभी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेनदारों से पीछा छुड़ाने के लिए जो तू पागलों की तरह भागता फिरता है ना, मुझसे सहा नहीं जाता। तू फिक्र मत कर माँ, उसका रास्ता है मेरे पास, उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं भागेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? जब होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है पहले तुम्हें थोड़ा दुख हो, लेकिन मुझे कभी गाली या बद्दुआ मत देना, और पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो उन्हें समझा देना कि जी तू पूरा लड़का नहीं था, उसने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। और हाँ, उनसे ये भी जरूर कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जो लोग बॉडी ढूंढने गए सब वापस आ गए हैं। आज नीचे का पानी बहुत तेज खींच रहा है, बॉडी मिलने की उम्मीद कम है। आप मास्टर जी को घर ले जाइए। अरे इनको तो हिंदी भी आती। अरे तुम लोग इन्हें जानते नहीं क्या? नहीं। ये प्रभात सिंह चौहान है। कौन लोग हैं ये, क्या कर रहे हैं यहाँ? साहब ये नए नए लोग हैं, अभी अभी आए हैं, इसीलिए आपको जानते नहीं है। हम लोग गुजरात से हैं तो क्या हुआ, दो पीढ़ी से कलकत्ते में झक नहीं मार रहे हैं? हिंदी क्या, हम बंगाली भी तुमसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं। बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं?
नहीं वो तो नहीं सुना हमने, लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा बेवड़ा पी के जो गाली बकता है हमने तो बस वो ही सुना है। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उस पैसा खाओ गुंडिया को देखा है? उसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। वो इस बार मुझे दिखाई दे गया ना, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगा। वो यहीं कहीं होना चाहिए। शमशान घाट है। जबा, जबा। मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है। जबा जबा, ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूँ लातूर। अभी आपने मुझसे बोला तो समझ में आया। चलो एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक, इसको रत्नागिरी पूछो। रत्नागिरी, रत्नागिरी, रत्न, 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 गिरी, गिरी, इधर, इधर। हाँ मालिक। रत्न गलत समझाया भाई। मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कॉल कॉल काटा। ए मालिक, समझ के पूछो, इससे नहीं तो काटा लगा मुझे ये। तो क्या करूं? क्या करें? इसे बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर, बोरी, समझा? एक बार और चढ़ाओ मालिक। बोरी, अब बंदर के बारे में तू बता, समझा? बोरी बंदर, ए निकल चंडी, समझा? यहाँ गुंडिया भाव कौन है? ये, इधर आ, इधर आ। क्या हो? हमको पता चला है आपको दरिया में से बड़ी चीज हाथ लगी है। जो भी मिला है उसको लेकर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बांडिया? हाँ मालिक। वो बड़ी चीज ला। ये वो चीज? तो आपको क्या लगा हमको सोना चांदी मिला है? ये कौन है, कहाँ से आया है, जब तक इसका सही पता नहीं चलता इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होने के कारण इसको हम अंदर भी तो नहीं रख सकते। फिलहाल इसे तुम दोनों के हवाले छोड़ रहा हूँ, और जब भी मैं बुलाऊं इसे लेकर यहाँ हाजिरी देने आना पड़ेगा। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। खर्चा पानी इसका? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई खर्चा पानी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे पर एक एहसान कर रहा हूँ, ऐसा समझो। जब ये भी कुछ जीना है साला, धोबी के कुत्ते से भी बेहाल, और ऊपर से कंधे पे ये बेताल, और दोनों हम टोटली कंगाल। जबा, जबा। साले, मेरा जो ये जब्बा था वो दिया ना तुझे, अब ये पूरा मैला होके पास मारेगा तभी दूसरा दूंगा। जब यामा, यामा। यामा नहीं, तेरे को मैं हीरो होंडा दिलाता हूँ, चल। अरे हमारी गाड़ी इस तरफ क्यों जा रही है? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन आप मुझे घसीट क्यों रहे हो? मैं क्या घसीट रहा हूँ? जब तो ये ड्राइवर था जो धक्का मार रहा। अरे अरे, बेचारे को भूख लगी होगी, बोल नहीं सकता, गूंगा है ना, इसलिए इधर खींच लाया। क्या क्या ये? क्या क्या ये? मालिक, छिपकली निकलना मत, निकलना मत। छिपकली नहीं, चिप्स मांग रहा है। छिपकली नहीं है मालिक। अरे छीनो मत, छीनो मत। क्या बदतमीजी है मालिक। अरे ए बहु मोशा, तीन चाय खाबो, दो बराबर, एक बिना शक्कर कम दूध के। वो किसके लिए मालिक? गंदी चाय पिलानी पड़ेगी। अच्छा? अच्छी चाय पिलाएंगे और आदत पड़ गई तो यहाँ हर रोज धक्का मार मार के लेके आएगा। बाबू मोशा, ऐसा करो, उसके हिस्से की शक्कर ज्यादा दूध मेरे में डाल दो। जी काहे काहे? पैसा तो तीनों को दे रहे हैं ना मालिक। पैसा तीनों को देने मालिक, गाली दे रहे हो? हट, हट। मालिक, आगे का क्या सोचा है? आगे? अरे पहले भूत से तो पिछवाड़ा छोड़ाऊं, आगे की बात में सोचेंगे। चाय बाबा। अरे मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है। और ना मत मालिक, मुर्गी ने दिया। जब आंदा जब वाली डुबर जब पाप जब वाली टाइ आज तो पाप दे दे आज दे। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया, गुंगा है, पता नहीं चलेगा। दे दे ले जाए ये। दूर दूर। शक्कर नहीं है बिल्कुल इसमें। इस इलाके में बिना शक्कर के मतलब शक्कर के बिना ही होता है। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है?
बिना चाय के चक्कर। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। हाँ तो तू ही पैसा दे दे। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। एक उसको भी दे। अच्छा, उसको भी दे। जब्बा भूखा होगा। जब्बा 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 मालिक जब्बा गया गया। हाँ गया। अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम। अरे उल्लू पकड़ उसको, पुलिस हमको पकड़ेगी। अरे कहाँ गया? कहाँ गया? अरे हमारा पैसा। हेलो हेलो मैं जीत। कौन बोल रहा है भाई? हेलो हेलो मैं जीत का दोस्त बोलता हूँ। मोहन जी है क्या? देखिए पैसे अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या है, अब तक लाश मिली नहीं है, इसलिए ये तो तय है कि वो मर चुका है। जिंदा होता तो अब तक पता चल जाता। आपको कितने लेने हैं? मालिक वो देखो, वो देखो। दांत पाठान यहाँ छुपके बैठा है, रंगे हाथों पकड़ लो इसको। पाठान अंदर घुसा है। इसमें बोलना पड़ता है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। रख। ये क्या, ये बिल ऐसे निकल आता है क्या? मशीन खराब कर दिया होगा मालिक। चल चल पैसा दे। क्या? अरे पैसा दे फोन का। ये बोल नहीं सकता है, गुंगा बेरा है, खाली फोन पकड़ने का पैसा बात करता है। ये गुंगा बेरा होगा, तू गुंगा बेरा होगा, मगर मैं गुंगा बेरा नहीं हूँ। ये बिल छपा ना, मतलब पैसा देना पड़ेगा। देखता हूँ कैसे नहीं देता है। देखता हूँ। पैसा दे। नहीं दिया तो मैं दूंगा। क्या बोला, क्या करेगा तू? मैं इसको दूंगा। किसको? मैं इसको। तू इसको देगा? दूंगा। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मार दिखा मुझे, देख रहा है? अरे मार 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 ये ले तेरा पैसा। चले मालिक। क्या देखेगा रे तू? वो मेरे को मारेगा, तू देखेगा? क्या देखेगा मालिक? क्या वो फिर से गायब हो गया? अरे इधर तो था वो, कहाँ गया है? इधर तो क्या साला, उधर बैठ के सेट बनेगा मेरा, ढूंढ उसको। अभी इस पे नजर रखना, कहीं बिल्ली की तरह सटक ना जाए। चल चल देवरा चल। साला आफत की पुड़िया मेरे ही सर पे पड़नी थी। जब ये मेरे जाल में फंस पड़ा मैं तो तभी समझ गया था ये आपके सर पे पड़ने वाला है। तो मेरे ही सर पे पड़ेगा ना, तेरे कंधे पे तो सारी नहीं है। जाना के नाव खोल, नाव खोल ना। साला बुड्ढा मर भी नहीं जाता है। इतने दूर मैंने नाव बहुत साले मुच्छड़ गुजराती की वजह से ये नाव मैंने यहाँ पर छुपा के रखा है ताकि उठा के लेके न जाए। कब तक छुपाएंगे? वो मुच्छड़ ले जाएगा बोल बोल के। हफ्ते भर से नाव को पानी में नहीं उतरने दिया आपने। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पीपी काम चला रहा हूँ मैं। तो मैं तेरे लिए बीच समंदर में चाय पानी का दुकान खोलूं? खोल इसको। खाने पीने में घास फूस सब कच्ची मछली बची है। कच्ची मछली ऊपर से ये मगरमच्छ साला। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो हूँ मैं हूँ। उधार लेते हो वापसी नहीं करते हो? तो कहाँ से दूंगा साले? एक तो जेब खाली, ऊपर से सफेद कपड़े में भूत नाच रहा है मेरे सर पे। ये सब इसी मुसीबत की वजह से हुआ। ए बानिया इधर। 24 घंटे के अंदर अंदर तूने इस मुसीबत को यहाँ से फुटाया नहीं ना, तो मैं तुझे बोट में चढ़ने नहीं दूंगा। चढ़ तो आप भी नहीं सकते हो। क्यों बानिया क्यों? 20 घंटे के अंदर नाव ले जाने की धमकी दी ना उसे, चढ़ने तो नाव खोलना खोलना। हेलो बारिया खुल रहा है जैसे लो। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। अब साले एक दूंगा गाज पाठा। कहीं भूत हो। अब इस बोट को आराम से बेच सकते हैं। तू कमीना अंदर नहीं जाएगा। पहले इस कमीने को अंदर जाने दे। ए, अपना दायां पैर आगे रख। शायद इस मनुष्य के कदम हमारे लिए अच्छे हो। ए, दायां पैर आगे रख। ये गुग्गो दाया मतलब ये पैर आगे रख। यहाँ पे साला दो पैर फिर भी समझता नहीं है। घूम ये देखो पीछे जा रहा है सूअर बच्चा, पीछे जा रहा है। अरे प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा है बेवकूफ, नाव आगे जा रही है। मुच्छड़ गई नाव पानी में। और मुच्छड़ नाव लेके जा रहा है। पानी पानी में कूद, पानी में कूद, मैं पानी में कूद क्यों मरूं? नाव तो वो मुच्छड़ लेके चला गया ना। ये साला मनुष्य जहाँ भी कदम रखता है पनौती लगाता है। सुंदर है, मत मारो मालिक। मेरा नाव चला है। मालिक बस बहुत हो गया,
आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर और फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। चलोगे मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुनझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। जबा, जबा, जबा। क्या जबा जबा, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हीं ने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अब एक एक नहीं तो क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 नहीं, मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने आया ना इनके लिए। इनके लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं है। पुराने कपड़े हैं, उनमें से कोई दे दो, लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, हा? पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे गाजपाटा, तू का कलेक्टर बनने वाला जो थाला बैठा बैठा पढ़ाई कर रहा है, काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस, तू खस खस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? गुरुदेव, एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट नो खाड़ो पुरवा। हेलो, क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, नथी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नहीं नथी, ना जम्मू तो जा भाड़ में, तू जा भाड़ में। ए जा जा जा, साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। यार कपड़े धो धो, मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोद, मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या
जाजा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चोली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती और मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घूंघरा है, घाघरा, घूंघरा, घूंघरा, घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान, क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। ए, कुछ करो ना, कुछ करो ना। उठ जाके कपड़ा दो। पैंट गीली करा मेरी। ए, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे गोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ, शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं, मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू? शू? हाँ, शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने, मुझे घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू? घाघरो ने चोली? हाँ, घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना, आप दो। लाज वगर ना, तने आ घाघरो चोली जो ये छे। जो ये छे, जो ये छे, जो ये छे। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप मामा काका जल्दी आओ, जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ। मैंने किसी की तरह घाघरो चोली काढ़ बोचे। घाघरो मांगू छु, आप दो, आप दो। तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मर के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। हाँ। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है। जबाला, दाला। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। होता मारा? वहां भी मारा। रोता क्यों है आपका ईमान जाना? हाँ, यहाँ बैठ, बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना, ये ले प्लेट ले दो। ये किस जानवर की चमड़ी? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए, अचार मिलेगा। अचार जोइए छे? हाँ जोइए छे। आले चार? एक, बे, तीन, चार। ये क्या है? छे? पांच, छो। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धो इस खाने के लिए। गंदा साला। आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं। लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतने ही देते हैं क्या? अच्छा, तो तुम्हें 5-स्टार होटल से खाना ला के दे, जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं 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 नहीं, मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा, और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। लस्सी मांग रहा है, लस्सी। चाय मांग रहा है? हाँ, चाय, चाय मांग रहा है। चाय जो भी ला रही हो दो लाना। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी। क्यों, बहुत खाती है क्या? नहीं, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन सुन सकती है। श्रुति, श्रुति,
चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे तुम एक मिनट चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। चलो चलो ना, ये देखो, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं 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 नहीं, मैं तो इसको मार रहा था। किसे? हाँ इसे, इस बेचारे गूंगे जीव को। ठहर जरा, अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। मारा? सुनो, बिल्कुल यही लगना चाहिए। मारो। ये गूंगा मैं तेरा भाई हूँ साले। ये गधे दे, ये तेरी छोड़ दे। हाँ बाबा साले। मंगल मंगल मंगल, अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं? मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है, वो आपके बड़े भाई का लड़का है। अरे मैं मानता हूँ मेरे बड़े भाई का लड़का है, लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी बढ़कर है। जो वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा, तुमको भी। बंद करो, ये खेलने की जगह। क्यों, क्या हुआ? टांगे टूट गई तो? तो हम लोग प्लास्टर करवा लेंगे। तेरी टांग का प्लास्टर हो सकता है, मंडप की टांग का प्लास्टर नहीं हो सकता ना। ये सारी चीजें मेरी है, मैं जब चाहूँ यहाँ सकता हूँ, समझा कि नहीं? ए, चल फुट। ए, क्या फुट? संभाल कर काट, झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा, हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू, क्या हुआ? तो साहब वो मैं कह रहा था कि टाइल लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मैम साहब की। अच्छा, तो ये है श्रुति का पति? क्या बकवास कर रहा तू, मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है मैंने बांधा है? बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं? साला डोंकी, ये घर नहीं महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मैम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई, जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी, ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में? अबे कसम क्या, तेरे से पूछ कर लेगा वो। ज्यादा बड़बड़ मत कर, भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना। देखो सर जी, फंसाओ मत मुझे, पहले ही दो तीन शादी और एक मंदिर का त्योहार, इन सब का एडवांस ले चुका हूँ। ये मंडप खुलकर मुझे उधर लगाना है। अगर तूने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और हाँ, अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए यह मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के स्मारक के तौर पे छोड़ दो। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मैम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ए, बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा 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 क्या?
बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा था? टेटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला मत बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। ए, सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। ए, ए, साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अरे मुझे बोलना है, इतने महीने से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है। अरे कोई है क्या? अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। बस बस ये बताओ, ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है, तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास, चलो। मेम साहब, ये कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ। हाँ, आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ और कभी कभी। आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? अच्छी तरह जानते हैं। बहुत अच्छी तरह। अब वो नंबर का धोखेबाज था, वो रुपए लेकर पैसे लेकर गायब हो जाता था। अब वो मर गया तो उसकी लाश भी हमको धोखा दे रही, वो भी गायब है। उस साले की लाश जब तक नहीं मिल जाती मैं चैन से सो भी नहीं सकता। उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जाए उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास। ये देखो, पूरे गाँव को धोखा दिया उसने। भरोसे के लायक नहीं है वो, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और वो गुंडिया भाव का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर है और उनको भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है। जब भी कोई काम होता है ऑफिस के लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के 5 बजे तक मेहता साहब के पास नहीं पहुंचा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। देखो ये रुपया, 5 बजे, 5 बजे मेहता साहब, मेहता टोपी के पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है। ये लो, जल्दी से इसे गिन लो, बराबर है कि नहीं, और आ जाओ। भैया पिताजी अभी तक आए नहीं। ढूंढते हैं, तुम लोग फिक्र मत करो, काका जी आ जाएंगे। वो लोग बहुत पैसे लेकर गए और साथ में वो लड़का भी है, वो गुंडिया भाव का भतीजा। अगर उसने कुछ। नहीं नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज है, वो हमें जरूर धोखा देगा और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैं जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। बता साले, वो कब से यहाँ पर है? क्या उनके जाने के बाद किसी का यहाँ पर फोन आया है? नहीं नहीं,
हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। चौकी से मैसेज है साहब। साहब उसको गिरफ्तार कर लिया है। ओके। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ओके। वो आदमी हमें मिल गया है लेकिन पूछने पे कुछ बता नहीं रहा। जाके साले को तो झापट लगाऊंगा ना तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। चलो कैसे हुआ ये? कुछ नहीं कुछ नहीं, घबराओ नहीं। ठीक तो ना? घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो अच्छा हुआ कि कन्हैया साथ में था, उसने बचा लिया, मुझे अस्पताल लेकर गया। फिर जिसको पैसे पहुँचाने थे उसको पैसे पहुँचा के आया। फिर वो दवाई लेने गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। यहाँ आया क्या? हाँ, अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जब तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा लेकिन चोरी करना नहीं सीखा, और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। इससे पहले के लोग मेरे घर को जलाकर राख करते, मुझे वहां जाना होगा क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन मैं वहां खुद चलकर भी नहीं जा सकता, किसी को कंधा देना होगा मेरे शरीर को। यह मेरा दूसरा जन्म था, बिना कुछ सुने बिना कुछ कहे जिया जा रहा था। अब वक्त आ गया कि इस जन्म को भी खत्म कर दूं। चला दो इनको। और ये क्या खाता है? ये खाता फिशिंग फाइनेंस कंपनी का खाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया, उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपए और लग गया। वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, वो सब मिलाकर बता रहा हूं। इनी माँ ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले मुझे सारे धंधे बंद करने होंगे। कोई बात नहीं, मंगल भैया को हम बता देंगे, और सिर्फ इस घाटे के बारे में नहीं, इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या? हाँ, और वो शर्मा जी से कितना वापस लेना है आपको? शर्मा? कौन शर्मा? कैसा शर्मा? कहाँ का शर्मा? क्यों भाई, तुम किसी शर्मा को जानते हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, कौन सा शर्मा? ये नहीं जानता शर्मा को, मैं नहीं जानता शर्मा को, तुम लोग कहाँ से शर्मा को जानते हो? मैं क्या बात कर? अच्छा, तो वो सब आप मंगल भैया से ही पूछना। देवियो देवियो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मंगल भैया को कुछ मत कहना, वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा। आपको मालूम है मंगल भैया का हर बिजनेस फायदे में क्यों जाता है?
क्योंकि वो अपने हर धंधे की शुरुआत श्रुति के हाथों करवाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो और वो अगले साल आपको सूद समेत सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बार पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना, इस बार ये चांस इनको देते हैं। अगर घाटा होगा तो घर में ही होगा ना। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जय वेद प्रसाद। बस ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। अरे तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वही बैग जाती। चल ठीक है। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना, जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। बाहर निकलो, बाहर निकलो। पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है। क्या बात है? अब आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए, ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? हाँ जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें चला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चला आया पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चल बे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या? बैग में पैसे हैं? देने आया है? अरे बाप रे। क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और। क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले बेवकूफ, खड़ा क्यों? खोल ले, देखते हैं। खोल। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने कहा भेज दो, तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए।
नमस्ते मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया, चले जाओ। जी धन्यवाद। मुझे देखना है। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या था? थी है? अरे क्या हूँ बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ पति 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 काय का पति और कुछ है? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। भगवान, अरे ये तो वो है, ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? क्या? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अरे साले, साले रावण के खानदान, साले मछली काट, सुअर की धूम, चिलिया का मुंह, साले धोखेबाज। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। हा? एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। अब एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना दोस्त। अच्छा मेरी बात सुन तो, एक सेकंड, मेरी प्रॉब्लम तो समझ आ तू। ये सब क्या चल रहा है? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया, ये बोल सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो। छोड़ दिया, मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है? अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो, बाहर कपड़े रखे हैं, जाकर धोकर आओ। फिर क्या? पति पति कहे का पति, बोल थूका उसने। एक बात तो साफ है कि ससुर दामाद के संबंध अच्छे नहीं है। अंकल हैं ही गरम मिजाज के। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पूजा ने शादी कर ली, मैं भी हमेशा यही प्रार्थना करता था वो जहां भी रहे खुश रहे, मेरे लिए तो इतना ही काफी। तुमने उसके पति की तस्वीर देखी? तस्वीर? एक जो तस्वीर देखी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है। ये तू चुप रह गूंगे, तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है मुझे। हेलो, ये पूछ रही, अब तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, तो अपने गांव जाके सबसे मिल क्यों नहीं लेते? नहीं, पूजा हमेशा इसी इंतजार में रही कि मैं कब उससे शादी करूंगा। मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की, अब और नहीं करना चाहता। मैं मर गया हूं यही सोचकर आज उसने शादी की। अगर मैं वापस गाँव गया और उसने मुझे जिंदा देख लिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसकी बसी पसाई जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तो तुमने यहीं रहने की ठान ली है क्या? हाँ, सोच रहा हूँ बस थोड़ी बहुत गुजराती सीख के आप लोगों के साथ यहीं रह जाओ। अच्छा, तो इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ। तो मैं इसकी शादी तुमसे करा दूं? हाँ? है? सच कह रही हूँ, ये तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ? तुम्हें पसंद है या नहीं? नहीं 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 नहीं। अरे पसंद है या नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं। मतलब पसंद नहीं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, पसंद है। अच्छा, तो ये है मजनू की मन की बात। हाँ? सला चालू। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो तो आप लोग मजाक कर रहे थे तो
मैं भी मजाक ही कर रहा था, मैं इतनी आसानी से फंसने वाला थोड़ी हूँ। मेरे बेटे ने जो भी कर्जा लिया था वो सब चुकता कर दिया, वो सारे वादे उसने पूरे कर दिए जो उसने किए थे। बस एक वादा रह गया जो उसने तुमसे किया था। अब यहां रहकर तुम क्या करोगी? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सवाल सिर्फ एक मंगलसूत्र का ही तो है जो उसने मेरे गले में नहीं बांधा, वरना मैं तो उसी की थी बचपन से। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर हो नहीं पा रहा है। इस शरीर से मेरी जान जा सकती है लेकिन जीत की यादें नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। कम से कम मुझे इतना अधिकार तो दीजिए कि मैं जीत की विधवा बनकर जी सकूं। यही मेरा सुख है कि मैं जीत की विधवा हूं। मजाक उड़ा रही हो? आया रे, आया रे। आया रे, आया रे, ये दिल तुम पे आया रे। ओ सनम, ओ सनम। बहुत अच्छा लिखा है। किसके बारे में लिखा है? मेरे बारे में? चलो अच्छा है, कम से कम मैं आपकी कविता लिखने के तो काम आया। वैसे ये शौक आपको अचानक कहां से चला? हिरन? नहीं, अरे मुझे बंदर बुला रही थी। नहीं, पता नहीं। क्या है? अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुम मुझे बताओगी क्या है? क्या दिखाना है? मार खाने के बाद भी तो सुधरा नहीं, अगली बार ऐसी हरकत की ना तो ऐसा पिटेगा कि याद रखना। अरे तो तुम्हें कुछ पता नहीं? पता है, श्रुति के दिल में उसके लिए, लेकिन श्रुति ने कुछ गलत। जानता हूं मैं अपनी बच्ची को। क्या लगता है वो गुंडिया भाव का? वो भतीजा। कितने सालों से है वो तुम्हारे साथ? 30 साल से मेरे साथ ही है। मतलब उसकी उम्र क्या होगी? यही 25-26, उससे ज्यादा नहीं। हिसाब कुछ सही नहीं बैठ रहा गुंडिया। नहीं, मैं घबरा गया। जब भी घबरा जाता तो हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसकी उम्र को लेकर हम क्यों बहस कर रहे हैं? आपको कितनी चाहिए उतनी रख लेते हैं। चलेगा ना? आप फिकर बोलो। नहीं चलेगा। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, उसके माँ बाप, उसका परिवार। नहीं, उसके बारे में मुझे मत पूछो।
मैं तो बयान ही नहीं कर सकता उसके बारे में। उसके माँ बाप जो भी कुछ है सिर्फ मैं हूँ। कोई गड़बड़ की है उसने? गुंडे तो मेरी बहन को अच्छी तरह जानते हो। कई रिश्ते आते हैं उसके लिए लेकिन सब उसके दौलत के पीछे पड़े। दौलत मिलते ही बोझ बन जाएगी वो। मैं चाहता हूँ उसे उसी की तरह एक लड़का मिले ताकि दोनों एक दूसरे पर बोझ ना बने, हंसी खुशी जिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बात तो सही है लेकिन अभी ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? और मैं तो आपके सिवा और किसी गुजराती को जानता भी नहीं। आपकी नज़र में है कोई ऐसा लड़का? है, है। लेकिन गुजराती नहीं, तुम्हारा भतीजा। दोगे मुझे? वैसे भी मैं हिंदी मराठी गुजराती बंगाली भेदभाव में नहीं मानता। मतलब शादी? सोच लो फिर बताना। अरे मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय करने वाले वो कौन होते हैं यार? तेरा चाचा। अरे चाचा होगा तेरा यार, मेरी शादी है, मुझसे पूछा तो चाहिए। अरे पूछेगा तो तुझे सुनाई नहीं देगा और सुनेगा तो तू बोल भी तो नहीं सकता। तो हम सब लोगों ने मिलकर कर दिया फैसला। पांड्या तू हालात को समझ नहीं रहा है। इसमें समझने की कौन सी बात है? तुम चुप रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर मुंह खोलोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसमें कौन सा ऑटोमेटिक हालात तुम्हें चाहिए वो फैसला तुम कर लो। अरे लेकिन पांड्या मेरी बात सोचने की जरूरत नहीं है। ये हरगिज नहीं हो सकता। ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है। पता नहीं कहां से आया वो। इतना इंतजार करने के बाद अपनी प्यारी सी बहन के लिए तुम्हें यही लड़का मिला? उसको समझने वाला, उसको चाहने वाला चाहिए था। उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जीना भी तो है। वो तो बोल नहीं सकती और उससे शादी करने वाला ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर जिएंगे कैसे? जुबान है ना मेरे पास तो बोलेंगे उनके लिए, कान है ना मेरे पास सुनेंगे उनके लिए। पागल हो गया तू? अभी तक इस घर में कोई भी गलती करता था तो तुम सजा देते थे और सब स्वीकार करते थे, मैं भी। और आज तू गलती करने जा रहा है, भुगतेगा तू। मेरी बात याद रखना, बहुत भुगतेगा तू। भुगतूंगा लेकिन बिना किसी शिकायत के। ये सारी धन दौलत आपकी है काका, आप ही को सौंप दूंगा। खाली हाथ चला जाऊंगा लेकिन बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी इसी मंडप में हो। क्या क्या कहा? क्या क्या कहा तुमने? अपनी मेहनत से खड़ी की हुई ये इमारत, ये संपत्ति छोड़कर चले जाओगे ऐसे ही? ये सब जायदाद मेरे किस काम की? मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ है क्या? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे साथ धोखा ना हो, मेरी बेटी के साथ धोखा ना हो। नहीं काका, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। भैया मैं तो आपको भैया कहने के लायक भी नहीं हूं। भैया मैं आज तक ना कुछ कह रहा था ना सुन रहा था लेकिन ये मेरी मजबूरी थी भैया। मजबूरी में आदमी ऐसी गंदी हरकत करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, हमसे खिलवाड़ करने का अंजाम जानते हो? मारो साला रे, मारो। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, रुको। अब पता चली तुम्हें इसकी असलियत? अब भी अपनी बहन की शादी इसके साथ कराना चाहते हो? तो जाओ करा लो। जब मेरी बहन ने कहा तुझे चाहती है तब मैं तरस गया था तेरी मुंह से भैया लफ्ज सुनने के लिए, लेकिन आज मैं यही लफ्ज एक धोखे बाज के मुंह से सुन रहा हूं। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दो।
मेरे साथ जो धोखा तूने किया वो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन के साथ जो धोखा तो मजाक तूने किया है वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। आज के बाद तू कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा तो बस। मैं सब कुछ कह सकता हूँ लेकिन धोखेबाज का इल्जाम नहीं सह सकता। आपकी बहन को मेरे बारे में सब कुछ पता है, कुछ भी नहीं छुपाया मैंने उससे, बल्कि मेरे बारे में वो जितना जानती है इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अगर तेरी बात सच है और वो भी मुझे तेरी तरह धोखा दे रही है तो आज के बाद मेरी कोई बहन नहीं रहेगी। नहीं भैया, आप उसे कुछ नहीं करेंगे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भैया। आज आपको पूरी सच्चाई सुननी पड़ेगी। श्रुति बहना, ये क्या कर रही थी तू? इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है बेटा, हमारे दर पे आने वाले हर आदमी के हम आंसू पहुंचते हैं, तू भी तो वही कर रही थी ना। देखो देखो, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा, मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर खुशी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, बेटा नहीं, नहीं रोते। बेटी जीत ने हमें सब कुछ बता दिया है, वो बहुत नेक लड़का है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने कई झूठ बोले लेकिन आखिर में सच भी, मानता हूं यही सच्चाई है। आज से तुम्हें अपना अतीत भूलकर हमारे साथ रहना होगा, तुम पर किसी और का हक नहीं होगा। जी, अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो तुम्हें एक और वादा करना होगा कि तुम श्रुति को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे। अगर तुम इरादे के पक्के हो तो ये वादा करना। मैं मरते दम तक इस घर को श्रुति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। सलाम कर सलाम। अब मैं वो पुराना गुंडिया बाबू नहीं हूँ, ये तेरा सेठ है ना, उसका मैं समधी होने वाला हूँ। क्या समधी? सलाम सर। हाँ, और अभी बोल कि गुंडिया सेठ अंदर आइए। गुंडिया सेठ, तुम्हें अंदर आओ। हाँ साला मच्छर का मच्छर। मालिक, ओ मेरे मालिक, 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 गुंडिया सेठ ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया पीछे नहीं हटता। अरे एक बार कदम आगे बढ़ाया तो हाथ चल के वापस जाओगे, अंदर मत जाओ। कपड़े दो, कपड़े दो, मैं अपने बेटे और समझी से मिलने जा रहा हूँ। बेटा नहीं, भतीजा। भतीजा था, अब मैंने उसे गोद ले लिया। अरे किससे गोद ले लिया? मुझसे। मैं जो चाचा था ना उसका, मैंने अपने आप से गोद ले लिया तो बाप बन गया ना। हे भगवान, मालिक अंदर मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, चला हट। मालिक वो बोला। कौन बोला? गुर्का, गुर्का, गुर्का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तू क्या बोला? मुँह कहीं नहीं बोले हो। ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला। तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये पकड़ तो, ये पकड़ तो यार। मरोगे, आज मरोगे। देखो कौन आया है, आओ आओ गुंडिया, तुम्हारा ही इंतजार था। ये देखो क्या लेके आया हूँ मैं, खाखरा है, जलेबी है, गांठिया है, बर्फी है, हलवा है, मोहन थाल है, ये तुम्हारे लिए चकली खाखरा ये सब खा, और कोपरा पाक और मैसूर पाक भी है। मेथी पाक नहीं लाए? नहीं वो नहीं लाया हूं मैं। कोई बात नहीं, वो हम तुम्हें देंगे। जरूर अपने हाथों से खिलाना। भतीजे से मिलोगे? हाँ बुलाओ उसको, बुलाओ। कन्हैया तेरे प्यारे चाचू आए हैं। चाचा जान। कन्हैया तुम इसके क्या लगते हो? चाचा, लेकिन ये ऐसे नहीं समझेगा, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये देखो देखो, ए ए चा, चाचा समझा? समझ गया, आप मुझे चाचा कह रहे हैं। हाँ।
मैंने कुछ सुना जी? हा? कैसे हैं आप चाचा जी? बाबा जबा जबा नहीं ए, क्या मेरे पति ने बोला, मेरे पति ने पहली बार बोला। चाचा जी ये पहली बार नहीं है। हा? मैं पहले से बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये, गुंगा ही है, मां कसम सेठ जी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए जरा बोलने की एक्टिंग कर। सेठ जी को बोल, सेठ जी को सच सच बता दे, बोल के तो गुंगा है। सबको सच पता है कि मैं गुंगा बहरा नहीं हूं, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि आप मुझे समुंदर से लाए थे। अब तुम्हें और कुछ कहना है? किसकी हड्डी टूटने की आवाज थी? अभी टूटी नहीं, टूटने वाली है। ये सब खा के खत्म कर, फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है। मुझे कुछ मत करना, मैं कसम से कहता हूं, मुझे नहीं पता था कि ये बोलने वाला गुंगा है। सच? किस रिश्ते से ये तुम्हारा भतीजा लगता है? आप तो जानते कि मैं भारतीय हूं और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, तो इनमें से ये भी मेरे एकाध भाई का बेटा तो हुआ ना मेरा भतीजा। हमारे भारत में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है, मैं नहीं जानता। एम जो भी हो, तुम इसे यहां लाए हो इसलिए तुम्हारी उधारी माफ। तो ब्याज का क्या? वो भी माफ, वो भी माफ। देखो मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया है। हाँ लेकिन तुम्हारा भविष्य तो अच्छा हो गया। मैं नकली हूं लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूं आपके और बांडिया की वजह से हूं, नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ये जीत के घर दिया, इसमें इतने पैसे कि उसके घर वाले जिंदगी भर सुख और शांति से जी सके। मैं चाहता हूं कि उसे आशीर्वाद दे, उसे प्यार से याद करें। तुम्हारे घर वालों से कुछ कहना है? मेरे घर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई यहां पर आकर यह दावा करे कि मैं उनका वारिस हूं। ठीक है चलो। नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए। अब ऐसा सोच लीजिए जीत ने आपके लिए भेजा है। हाँ और हमने जो धंधे में कमाया उसमें जीत का भी तो हिस्सा है ना। तुम ही बताओ बेटी क्या करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम इनका? ये कौन है? ये वो जीत की। जीत की क्या? जीत की विधवा है। पूजा हाँ, आपको कैसे पता? जीत ने बताया था। क्या बताया उसने मेरे बारे में? कि वो मुझे पसंद करता है। तुम अंदर जाओ बेटी, आप जीत को करीब से जानते थे? करीब से नहीं, दिल से। काश मैं उसके दिल को जान पाता तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। सब तकदीर का खेल है। अब तो हम भी यही तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को। ये पैसा आप रख लीजिए,
और इस लड़के की शादी करवा दीजिए। और मैं आपसे भी कहता हूँ मास्टर जी कि आपके दिल में अगर जीत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो बाकी की जिंदगी आप खुशी से बिताइए। हाँ हाँ, वो मर गया तो क्या हुआ, आज देखिए अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच गया ना, कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए आपको। कितनी बार कहा लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, चाहे वो कितना भी दूर हो मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ। पिछले कई दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा था मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। बैठो। अंदर आइए पिताजी। नहीं मैं नहीं आऊंगा, जिनको बोलकर आना है आ जाओ, फिर हमें तुरंत जाना है, चलो। मुझे कुछ दिन दीजिए पिताजी। नहीं मैं जरूर आऊंगा। नहीं तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा बेटे, ऐसे पल में मुझे यहां से खाली हाथ मत जाने दे, मेरे लिए ना सही अपनी माँ के आंसुओं के लिए ना सही। जिस दिन तू समुंदर में कूदा था उस दिन से एक लड़की हमारे घर में तेरी विधवा बनकर जी रही है, पूजा। पिताजी तुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके आंसुओं के बारे में, जिन हाथों को तूने पकड़कर चलना सीखा था उन्हीं हाथों को जोड़कर मांग रहा हूं आज तुझे मेरे साथ चलना ही होगा बेटा, इनकार मत करना। जीत मिले ही नहीं, अरे मैं बताया क्यों नहीं आपने। जीत बेटा बात सुनो जी। ये वर्मा जी हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त, दिल्ली से हैं। मुबारक हो भाई, ये बल्होत्रा साहब, ये कपूर साहब। अच्छा सुनो बेटा, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग इंतजार करें, चलो आओ आओ भाई आओ वर्मा जी। मैं लेकर आता हूँ उसे। अब वो इस घर का सदस्य है, आपका बेटा नहीं है। मेरा बेटा कैसे नहीं है, मैं भी देखता हूँ कि मेरे खून पर मुझसे ज़रा किसका है। मेरी बात सुनिए। खड़ा मत खड़ा करिए। क्यों ना कहूँ, मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ठीक है तो फिर जाइए, जाइए अंदर और मांगिए अपना हक। पता है अंदर क्या होगा, आपकी आंखों के सामने आपके बेटे की मौत होगी, देखना है आपको तो जाके देखिए, जाइए ना जाइए। क्या आप जिम्मेदार नहीं है उसकी इस हालत के लिए? कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दीजिए, आप जाइए यहां से। जब आपने एक बार मान लिया है कि वो मर चुका है तो फिर से उसे जिंदा करके आप अब क्यों मारना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा था वो सच है, मरे हुए कभी लौट कर वापस नहीं आते, और जो ऐसा सोचते हैं वो सरासर बेवकूफ है। और जानती हूं उनमें सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, तुम। उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम कैसे अपने आप को उसकी विधवा कह सकती हो? अभी निकल जाओ इस घर से, अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रख सकता। चलो निकलो। ये क्या अनाप शनाप पकड़ रहे हैं आप? अब इस घर में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, निकल जाओ। तो तूने उसे देखा? तूने उसे बुलाया लेकिन तेरे बेटे ने घर पे आने से इनकार कर दिया, यही ना? अब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा मुंह बोला पति तुम्हें कितना सारा प्यार करता है? अगर वो तुम्हें चाहता ही नहीं है तो तुम इस घर में क्यों पड़ी हो? क्यों पड़ी हो तुम इस घर में? हम दोस्त हैं बचपन से, जब मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई
तब न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी बेटी इस घर की हुई। उसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। अब तुम्हें मैं जिस किसी के भी कदमों में फेंकूंगा उसी से ही मंगलसूत्र बनवाना होगा, वरना वरना इसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा, और वो भी देखना होगा तुम्हें। मैं घर जा रहा हूं, पूजा से मिलने। एक बार माफी मांगकर उसकी मंजूरी तो लेनी चाहिए, इतना तो मुझे करना ही चाहिए। आऊंगा, जरूर आऊंगा, बस मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे उसका सामना करने की हिम्मत मिले। तू लौट आया, मेरा बेटा लौट आया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पता नहीं कहां जाकर मैं अपने पाप धो पाऊं। मेरा बच्चा। कुछ मत कहो बेटा, अगर मैं आज भी तुम्हें नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं। चलो बेटा घर चलो, घर में दो लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर जी रहे हैं। चलो बेटा। तुम्हारी तपस्या इसे वापस लेकर आई है। अरे अब तो रोना बंद करो, अब से जीत तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है ना बेटा। बेटा अब एक पल भी इसे इस हाल में मत रखना, ये ले सिंदूर और भर दे इसकी मांग। कल मेरी शादी। मजबूर था कर्जा चुकाने के लिए, आप लोगों की सुख शांति के लिए मैंने अपने आप को वहां भेज दिया। अब मैं आपका नहीं उनका हो चुका। देखो बेटा ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो सिर्फ इंतजार कर रही है तुम्हारे लिए, जिंदगी के सारे सुख त्याग करके एक विधवा बनकर तपस्या कर रही है। तुम्हारी विधवा, अगर इसके आंसू की एक भी बूंद इस आंगन में गिरी ना तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने माँ बाप को भुलाकर इस बिचारी को इस हाल में छोड़कर कौन सा कर चुका रहे तू? किस मुकाम तक पहुँचना चाहता है? हा? अगर उनसे कहें कि मेरे जैसा कोई यहाँ तुम्हारे इंतजार में है तो वो लोग मानेंगे नहीं। पूजा मुश्किलें तो छोड़ दो, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। पूजा जीत जीत तुम जो चाहे मांग लो, मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर गली गली भीख मांग कर तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत ठुकरा, मेरी बेटी को मत ठुकरा। कहाँ है वो? तुम्हें बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। देखो तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका था, ये गुजराती लोगों ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हें नई जिंदगी दी है इन लोगों ने। अगर तुम इस बात को भी भूल गए ना तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और भगवान ने तुम्हें माफ भी कर दिया तो वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और तुम वहां नहीं गए तो वो लोग यहां आ जाएंगे, फिर तुम ही सोच लो क्या होगा।
अरे सोचने की जरूरत क्या है? देखो बेटे, पूजा तुम्हारा बीता हुआ कल है और लड़की आने वाला कल, बस खत्म। तुम बैठो, चलो चलो बैठो, चलो अंदर बैठो, चलो चलो। सोचने से कुछ नहीं हुआ, चलो। मैं अपने घर तक बस। एक वादा तो तुम तोड़ चुके अपनों के पास जाकर, अब क्या दूसरा वादा भी तोड़ दोगे श्रुति और इस घर को ना छोड़ने का? एक बार तो इस मंडप में उसके आंसू गिर चुके हैं, अगर तुम्हारा उसके साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो मेरी वजह से उसे कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, अंगूठी है लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं, बहुत छोटी है, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। तुम तो थैंक्स खुश रहो। शादी खत्म हो गया? शुरू होने वाला, चल रहा है। क्या शादी छोड़कर चलने जाएंगे? ये नहीं होगा, उनको बोलो पहले शादी करे फिर चलने जाए, ताकि मैं अपना मंडप लेकर चलूं। चुप, खा पियो, निकल यहाँ से, चल। आइए, नमस्ते। जीत, हमारे जयपुर के पार्टनर मिस्टर गुप्ता। कंग्रेचुलेशन। जी आइए आइए। अजीत, ये 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 मेरे पिताजी। ये इसकी माँ है और ये इसकी मंगेतर है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए। वापस? हाँ वापस, वापस देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जीत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तू इसको यहाँ से ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, कोई शक है क्या? क्या बोला तू? मेरी बहन की शादी तोड़ा कर तू उसे ले जाएगा? हाँ, यह शादी हरगिज नहीं होगी। अगर तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो जाके फेंक दो उसे दरिया में। बस कर बस कर, और हाथ उठाया तो क्या कर लोगे आप? भैया ये मेरे मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूंगा। बेटी, हमें माफ कर दो, हमारा बेटा हमको लौटा दो।
तक मैं उसकी विधवा बनकर जी रही थी, अब क्या बनकर जीऊं? बोलो, तुम ही बोलो। वो बोल नहीं सकती, बेजुबान है। जीत के लिए तुम ही जन्मी हो, सिर्फ तुम। मैं नहीं, तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। किसी के आंसू देखकर हमारे घर में खुशियां नहीं मनाते, लेकिन किसी के आंसू पहुंचने के लिए हम जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। उसकी रगों में भी हमारा ही खून है ना। आज उसे भी मौका मिला, चलिए। वो अबोली अपने दिल का दर्द बोलकर रो भी नहीं सकती बेचारी, उसे छोड़कर कहां जा रहे हो तुम? इस परिवार का श्राप लेके कुछ हासिल नहीं करना है हमें। मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, हम में से कोई भी नहीं। और दुख नहीं दूंगी मैं आपको, हमसे विधवा का रंग भी नहीं ओढ़ूंगी मैं। अगर तुम उस बेजुबान को एक जिंदगी दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत और मान बढ़ जाएगा, ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूं।